अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जरीन खान। मेरे चैनल जेड के यूनिक कुकिंग में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये बहुत ही इजी होती बनाने में और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होती है। इसके बिना आपकी हर एक चाट की रेसिपी अधूरी होती है। यूं कह लीजिए कि ये हर चाट की जान होती है। आज हम वही बनाने वाले हैं। आइए मैं उसमें यूज होने वाली चीजें आपको बता देती हूँ। यहाँ पे लियो मैंने 1/2 kg गुड़, इसे मैंने छोटे छोटे चंक्स में कट किया। यहाँ पे लियो मैंने 150 ग्राम इमली। इमली को मैंने 2 से 3 पानी से वॉश करके 3 घंटे के लिए भिगा कर रखी थी और इसे मैंने छान लियो। इसे मलते हुए छलनी में रखकर हाथ से मलते हुए छान लेना है। इसका सारा पल्प नीचे आ जाता है। ये लियो मैंने धनिया पाउडर। धनिया पाउडर अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप कर सकते हैं, और अगर आपके पास खड़ा धनिया होगा तो आप उसे हाथ से क्रश करके भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है इमली की चटनी में। यहाँ पे लियो मैंने रेड चिल्ली पाउडर। यहाँ पे लियो मैंने ब्लैक सॉल्ट, इससे चटनी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पे लियो मैंने जीरा पाउडर, ये भुना जीरा पाउडर है। यहाँ पे लियो मैंने सौंफ, और ये हमारा रेगुलर नमक है, ये सॉल्ट है, और जितना हमें पानी की जरूरत होगी हम उतना पानी यूज करेंगे। आइए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस पे कढ़ाई गरम के लिए रखी हूँ। अब हम इसमें इमली का जो पल्प है हमारा वो डालते हैं। इसके बाद हम इसमें जो हमारे पाउडर मसाले और सौंफ है वो डालते हैं। ये हमारा रेगुलर सॉल्ट, ये भी ऐड कर देते हैं, और गुड़ इसमें ज्यादा जाता है डबल क्वांटिटी में, क्योंकि ये इमली बहुत खट्टी होती है। अगर आपको फिर भी खट्टापन ज्यादा लगता है तो आप इसमें और गुड़ ऐड कर सकते हैं। गुड़ की जगह आप शक्कर भी डाल सकते हैं। हम इसमें 1/2 कप पानी भी डालेंगे। अब इसे हम मिला लेंगे और इसे चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। इसे पकाते हुए हमें 15 से 20 मिनट लगेंगे। ये देखिए हमारी चटनी कितने अच्छे से पक चुकी है। हमें इसे पकाते हुए 15 से 20 मिनट का टाइम लगा है और ये कितनी गाढ़ी और कितनी अच्छी बनी है ये देख सकते हैं आप। आप भी इसे जरूर बनाइए और इसे फ्रीजर में स्टोर करके रखिए। आप हर चाट के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे बंद करते हैं गैस को, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि मेरी आने वाली हर एक नई रेसिपी आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। चलती हूँ, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मुझे दुआओं में जरूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।